शब्द की शक्ति अनंत है, शब्द ही ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्म की शक्ति अनंत होती है, असीमित होती है, वो कितना भी अपने आकार को संकुचित कर सकता है, कितना भी अपने आकार को विस्तृत कर सकता है, वैसे ही शब्द भी अपने अर्थ को समेट सकता है, अपने अर्थ को कितना भी विस्तार दे सकता है। उसके पास वो शक्ति है जो मानव हृदय के तारों में झनकार उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, मनुष्य को रुला सकती है, मनुष्य को हंसा सकती है। इसलिए शब्द की शक्ति अनंत है, शब्द ही ब्रह्म है। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस सत्र में शब्द शक्ति पर बात करने वाले हैं। शब्द शक्ति को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि शक्ति ने जिस तरीके से बच्चों के बीच में, आप सब लोगों के बीच में एक भय, एक डर व्याप्त कर रखा है, तो हम उस डर से आज बाहर निकलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल और सहज तरीके से शब्द शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए कि भाषा की लघुतम मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और भाषा की लघुतम लिखित इकाई है वर्ण। तो वर्ण से ही शब्द बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं? जब वर्ण दूसरे वर्णों के साथ दोस्ती करते हैं, दूसरे वर्णों के साथ तालमेल बिठाते हैं, दूसरे वर्णों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और एक अर्थ ग्रहण करते हैं, तब शब्द बनते हैं। यानी वर्ण जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो शब्द बनते हैं, और जब शब्द दूसरे शब्दों के साथ हाथ मिलाते हैं तो वाक्य बनते हैं, और कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो गरिमा प्राप्त कर लेता है जब बहुआयामी अर्थ की अभिव्यक्ति कर सके, अर्थ को मनचाहे तरीके से विस्तृत कर सके, संकुचित कर सके। और शब्द की ये जो अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति है, वही दोस्तों शब्द शक्ति है। तो चलिए शब्द शक्ति को समझते हैं आज। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको अभी बताया, शब्द शक्ति का अर्थ है, शक्ति का मतलब होता है ताकत। जैसे मानव शक्ति, जैसे परमाणु शक्ति, वैसे ही शब्द शक्ति। तो शब्द की ताकत, शब्द की सामर्थ्य और शब्द की क्षमता। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य में तो मानसिक बल होता है, शारीरिक बल होता है, परमाणु में सब कुछ नष्ट करने का बल होता है, तो शब्द में कौन सा बल है, कौन सी ताकत है, कौन सी सामर्थ्य है? शब्द में दोस्तों ताकत है अर्थ को अभिव्यक्त करने की, और वही शब्द की शक्ति है। अर्थ को अभिव्यक्त करने की यही ताकत शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द की शक्ति अर्थात अभिव्यक्त करने की क्षमता। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, शब्द के पास शक्ति ही नहीं है तो शब्द हमारे लिए खोखला है, अर्थहीन है। और अगर शब्द के पास शक्ति नहीं होगी तो हम अभिव्यक्ति की क्षमता जो हम में होती है उससे वंचित रह जाएंगे, वो क्षमता हमारे पास नहीं होगी। तो इसलिए शब्द की जो शक्ति है अर्थ को स्पष्ट करने की, अर्थ को अभिव्यक्त करने की, वही मनुष्य को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की ताकत देती है। यानी मानवीय अभिव्यक्ति कौशल का आधार है, मूल आधार है, मैं कहूंगी शब्द की शक्ति। शब्द में उच्चारण के साथ वक्ता और श्रोता के मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालने की ताकत होती है। हम वाक्य भी नहीं बोलेंगे, हम केवल एक शब्द बोलेंगे और उस शब्द को सुनते ही हमारा मन कई बार आनंदित हो जाता है शब्द के अर्थ के अनुरूप, कई बार कल्पना लोक में विचरण करने लगता है, कई बार अनुभूति की गहराई में डूब जाता है। प्रश्न उठता है कैसे? देखिए, मैं कहूं रसमलाई, मुंह में पानी आया, लेकिन रसमलाई तो सामने नहीं है, लेकिन आपकी इंद्रियों ने उस रसमलाई के अर्थ को इतनी सहजता से, इतनी गहराई से ग्रहण किया कि आपके मुंह में पानी आ गया, आपकी आंखों के सामने ही रसमलाई की प्लेट घूमने लगी। मैं कहूं गोलगप्पे, आप तुरंत मुंह में पानी आ गया और आपकी इच्छा हुई कि आप तुरंत जाकर के गोलगप्पे खाएं। ये है शब्द की ताकत। बहुत ही मामूली से उदाहरण है, बहुत ही साधारण आम जिंदगी के उदाहरण है।
इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, हर शब्द की अपनी ताकत है, अपनी क्षमता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य है। इसलिए शब्द के पास शक्ति है और यही अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वही शब्द की शक्ति है। शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है। इस वाक्य को हमने जब भाषा पढ़ी थी और भाषा के रूप परिवर्तन के कारण पढ़े थे कि किस तरीके से भाषा अपने स्वरूप को बदलती हुई आगे विकसित होती है, उस बात से जोड़ने की जरूरत है। हमने भाषा के शुरुआती सत्र में, मेरे ख्याल दूसरा सत्र शायद वो रहा होगा, जब हमने चर्चा की थी एक असुर शब्द की। असुर शब्द जो पहले मूलतः किस अर्थ का बोधक था, जो लोग सुरापान नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो असुर शब्द इस बात का, इस अर्थ का द्योतक हो गया कि जो हिंसक हैं, जो दूसरों की को चोट पहुंचाने में विश्वास करते हैं, जो आततायी या आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं, जो राक्षसी वृत्तियों के हैं, वे असुर हैं। तो इस तरीके से शब्द निर्धारित अपना स्वरूप में कुछ और था, लेकिन बदलते बदलते कुछ और हो गया। ऐसे उदाहरणों से हमारी भाषा भरी हुई है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर होता है। अब जब हम इस अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो उस अर्थ को ग्रहण करने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम साधारण अर्थ ग्रहण करते हैं, एक हम लक्षण के आधार पर, गुणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं, और एक हम कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण करते हैं। और इन तीनों अर्थ ग्रहण करने के तरीकों के आधार पर शब्द शक्ति को विभाजित किया गया है, तीन भेदों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, संस्कृत में कहा गया है शब्दार्थ संबंध शक्ति, यानी शक्ति क्या है शब्द की, शब्द का अर्थ से जो संबंध है वही शब्द की शक्ति है। शब्दार्थ यानी शब्द और अर्थ संबंध, आप सभी जानते हैं शब्द और अर्थ का जो आपसी संबंध है वही शब्द की ताकत है, वही शब्द की शक्ति है। अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। इस तरह की परिभाषा विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो इसमें जब हम शब्द शक्ति की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे, या हमसे कोई पूछे कि शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है, तो हम यहाँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पारिभाषिक शब्दों के बिना कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं होती दोस्तों। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की, करने वाला कार्य व्यापार ही शब्द शक्ति है। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा शब्द अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है, वह प्रक्रिया ही शब्द शक्ति है। हिंदी साहित्य कोश की दृष्टि से अगर हम देखें कि शब्द शक्ति का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो वहां कहा गया है शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। कुल मिलाकर बात क्या है, सारे विवरण का एक ही निष्कर्ष है कि शब्द की अर्थ को अभिव्यक्त करने की ताकत ही उसकी शक्ति है। अब इस उदाहरण से समझ लेंगे। हम एक बात कहते हैं, बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है। तो हमने शब्द का अर्थ ग्रहण किया। मैंने अभी आपसे बात की कि शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, शब्द का अर्थ प्रयोग करने वाले पर निर्भर होता है। तो हमने एक वाक्य बनाया, बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है। हमने यहां बंदर का अर्थ क्या ग्रहण किया, एक जानवर जो कि आतंक फैला रहा है, ठीक है, ये हमने यहां ग्रहण किया। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अरे वह तो बंदर है, हर समय उछल कूद करता रहता है। यहां हमने बंदर का क्या अर्थ ग्रहण किया, बंदर का अर्थ उस पशु से ग्रहण नहीं किया, बल्कि उछल कूद करने वाले मनुष्य से ग्रहण किया। अर्थ बदल गया क्योंकि शब्द का प्रयोग बदल गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पानी शब्द को ले लीजिए। एक तो साधारण कहा जाए मुझे ठंडा पानी चाहिए, पानी यानी जल, उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है, यानी उसने शर्म त्याग दी है, उसने लज्जा छोड़ दी है, वो बेशर्म हो गया है। अर्थ बदल गया, जल का यहां पर कहीं भी प्रयोग नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों शब्द
अपने निश्चित अर्थ को, सीमित अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करते, बल्कि प्रयोग करने वाले के आधार पर अपने अर्थ को विस्तार देते हैं। शब्द की यही असीमित अर्थ को अभिव्यक्त करने की ताकत शब्द शक्ति कहलाती है। आगे चलते हैं। आचार्य मम्मट ने, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आचार्य मम्मट ने, किसने, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, ग्रंथ का नाम याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, शब्द शक्ति को के तीन भेदों का उल्लेख किया है जो तीन प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब एक बात और यहां मैं बता दूं कि कुछ संस्कृत के आचार्यों ने एक और चौथी वृत्ति बताई है, तात्पर्यावृत्ति, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार शब्द शक्ति के तीन ही भेद माने गए हैं, इसे स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन अगर ऑप्शंस में, प्रश्न पत्र में तात्पर्य या तात्पर्यावृत्ति इस तरह के शब्द का प्रयोग आए तो आप घबराएं नहीं कि ये तो हमें पता ही नहीं है, ये चौथा भेद है जो कुछ विद्वानों के द्वारा बताया गया है, स्वीकार किया गया है। लेकिन सर्वमान्य मत के आधार पर शब्द शक्ति के तीन ही भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के सामने ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, यानी ये तीनों शब्द शक्तियां अपने अर्थ को अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से अभिव्यक्त करती हैं। यानी अभिधा के द्वारा जो अर्थ हमारे सामने आता है उसे हम कहते हैं अभिधार्थ। तोड़ेंगे अगर हम इस शब्द को, मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि शब्द के टुकड़े कीजिए, शब्द के खंड कीजिए, ताकि आप उसमें छिपे हुए अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अभिधा प्लस अर्थ, यानी अभिधा का अर्थ, तो अभिधार्थ कहा गया है। मुख्यार्थ यानी मुख्य प्लस अर्थ, मुख्यार्थ यानी मूल अर्थ, यानी ये शब्द शक्ति किसी भी शब्द के मूल अर्थ जो सीमित होता है उस अर्थ की ओर संकेत करती है, जो निश्चित होता है, जो आम जन के प्रयोग में, साधारण जीवन में लाया जाता है, उस अर्थ को अभिव्यक्त करती है, और उस वो अर्थ कहलाता है अभिधार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ। एक ही बात है, ये तीनों शब्द एक ही बात की ओर संकेत करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा आता है लक्षणा। अब लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ अभिव्यक्त होता है वो कहलाता है लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्य धन अर्थ, यानी किसी भी जिस लक्ष्य को करके बात स्पष्ट की गई है, जिस लक्ष्य को मन में धारण करके बात स्पष्ट की गई है, वो अर्थ जो अभिव्यक्त होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजना से अभिव्यक्त होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। जिस प्रकार व्यंग्यार्थ, व्यंग्य को हम साधारण तौर पर प्रहार या चोट के रूप में लेते हैं, ऐसी बात जो चोट कर दे मर्म पर वो व्यंग्यार्थ कहलाती है। लेकिन ये साधारण धारणा है हमारी, लेकिन व्यंग्यार्थ वास्तव में किसी तीसरे ही अर्थ का बोधक होता है। इन तीनों शब्द शक्तियों का क्रम है, मूल अर्थ अभिव्यक्त करती है अभिधा, उससे आगे का अर्थ जो लक्षण पर, जो प्रयोजन पर आधारित होता है वो होता है लक्षणा, और इन दोनों से जो अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता वो होता है व्यंजना। तो इन तीनों बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब अभिधा शब्द शक्ति की बात करते हैं। अभिधा को अगर परिभाषित किया जाए तो देखिए, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण, बात कौन सी ध्यान में रखनी है, कौन सा अर्थ, साधारण अर्थ, दूसरा लोक प्रचलित अर्थ, तीसरा व्यवहारिक अर्थ, यानी इन तीनों का अर्थ, इन तीनों का संकेत है कि आम बोलचाल में जो शब्द जिस रूप में प्रयुक्त होता है वही अभिधा शब्द शक्ति होती है, और इसी को शब्द अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य जो हम दिन भर में बोलते हैं, घोड़े अस्तबल में बंधे हैं, रमा नृत्य कर रही है, कविता पढ़ रही है, संजय खेल रहा है, कोई भी शब्द हो सकता है जो एक साधारण अर्थ को अभिव्यक्त करता है, वही उसी वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति होती है। क्योंकि खेलना जिस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है वो खेलना उसी अर्थ में श्रोता तक पहुंचाया जा रहा है, श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण कर रहा है, यानी सीमित, संकुचित, निश्चित अर्थ है। आगे चलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में देखिए, मैंने आपको बताया अभिधेयार्थ, अभिधार्थ, मुख्यार्थ और वाच्यार्थ, तीनों एक ही बात है।
तो जब मुख्यार्थ बाधित होता है, यानी अभिधा के द्वारा जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, जब उस अर्थ को ग्रहण करने में श्रोता को बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं मुख्यार्थ का बाधित होना। यानी किसी भी एक वाक्य को हम साधारण अर्थ के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उस प्रक्रिया को, उस स्थिति को कहते हैं मुख्यार्थ का बाधित होना। तो मुख्यार्थ बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी जब तक मुख्यार्थ बाधित नहीं होगा तब तक लक्ष्यार्थ सामने नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कैसे मुख्यार्थ बाधित होगा इसको भी हम समझेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द लक्षक कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान में रखना है। लक्षणा शब्द शक्ति में तीन स्थितियां महत्वपूर्ण है, तीनों आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली स्थिति क्या है? मुख्यार्थ का ज्ञान। हमने कोई वाक्य लक्षणा शब्द शक्ति का सुना, मुख्यार्थ का ज्ञान हुआ, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हम मुख्यार्थ से इस वाक्य के साधारण अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते। तो यानी मुख्यार्थ का ज्ञान होते ही तत्काल हमें पता चल गया कि मुख्यार्थ में बाधा आ गई है। दूसरे चरण पर पहुंचेंगे, हमारी मनुष्य की बुद्धि तो बहुत तीव्र होती है, तो दूसरे स्थिति पर पहुंच जाता है मस्तिष्क फुर्ती से, और फिर क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि मुख्यार्थ ये जो है इसका लक्ष्यार्थ से कोई ना कोई संबंध है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का गहरा संबंध होता है। मुख्यार्थ को उपेक्षित करके लक्ष्यार्थ आगे नहीं आता, बल्कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों परस्पर संबंधित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लक्षणा द्वारा भिन्न अर्थ का ज्ञान, और तीसरी स्थिति पहुंचते ही लक्षणा के द्वारा जब हमने पहचान लिया कि मुख्यार्थ से अर्थ नहीं आएगा, यानी उसमें बाधा आ रही है, तो हमें पता चल जाता है कि इस मुख्यार्थ का इस लक्ष्यार्थ से संबंध है, और तत्काल तीसरी अवस्था पर आते ही, तीसरे चरण में आते ही हम लक्ष्यार्थ के द्वारा यानी उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, यानी लक्षणा द्वारा शब्द में उस वाक्य में निहित अर्थ का हमें ज्ञान हो जाता है। अब एक बहुत ही मामूली सा साधारण सा उदाहरण है, इसको हम यहां देखते हैं। देखिए उदाहरण है, लाठियां चल रही हैं। अब मुख्यार्थ में बाधा कैसे होगी? लाठियों के पास पैर नहीं है, लाठियां जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैसे चलेंगी? यानी लाठियों के चलने का जो अर्थ है साधारण अर्थ, क्या जैसे मनुष्य चलता है वैसे लाठियां चल रही हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हुई। बाधा उत्पन्न हुई, तुरंत ही समझ में आया कि लाठियों के चलने का अर्थ लक्ष्यार्थ से है, यानी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध है। हमें समझ में आ गया कि लाठी क्योंकि प्राणी नहीं है जो चले, यानी मुख्यार्थ बाधित हो गया। उसके बाद लाठी का प्रयोग कहाँ होता है? लड़ाई झगड़े में, मारपीट में होता है, यानी लाठियां चल रही का संकेतार्थ है, लक्ष्यार्थ है क्या कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लाठी का प्रयोग सामान्यतः लड़ाई झगड़े में किया जाता है, अर्थ है लक्ष्यार्थ व्यक्त हो जाता है, मुख्यार्थ बाधित होता है, लड़ाई हो रही है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, सुधा तो निरी गाय है। इस वाक्य के द्वारा अगर हम मुख्यार्थ ग्रहण करें तो इसका मतलब है कि सुधा के चार पैर हैं, सुधा लड़की नहीं, सुधा पशु है, और सुधा के एक पूंछ है, दो सींग है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सुधा हमें सामने दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? मुख्यार्थ बाधित हुआ और सुधा एक लड़की के रूप में हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब है मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई और हम तुरंत, हमारे मस्तिष्क ने गति की, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध स्थापित हुआ कि इसका अर्थ लक्ष्य से ग्रहण किया जाना चाहिए, इसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाना चाहिए, और हमने ग्रहण कर लिया कि सुधा स्वभाव से बहुत भोली, बहुत सीधी सादी है। तो ये क्या हुआ? लक्ष्यार्थ से अर्थ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। आगे चलते हैं। तुम तो भाई लोहे के बने हो, क्या कोई मनुष्य लोहे का बना होता है? तो मुख्यार्थ बाधित हुआ, कोई भी मनुष्य लोहे का नहीं बना होता, और लोहे का बना होगा तो पुतला होगा, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, कोई भी एक निर्जीव आकार होगा। लेकिन हम किसी जीते जागते व्यक्ति से अगर ये बात कहते हैं कि तुम तो भाई लोहे के बने हो, तो इसका मतलब है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमें सजीव हाड़ मांस का बना हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो वो लोहे का कैसे बन सकता है? यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई,
और हमने ग्रहण किया कि जिस तरीके से एक सशक्त एक मजबूत धातु है लोहा, उसी तरीके से मजबूत शरीर है इस सामने वाले व्यक्ति का। यानी हमने मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ से अर्थ ग्रहण किया। आगे चलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद चार मूलतः भेद बताए गए हैं। बहुत तरीके से विद्वानों ने इनका वर्गीकरण किया है, लेकिन मोटे तौर पर हम बहुत ज्यादा उस विवाद में उस झंझट में नहीं पड़ेंगे। हम मोटे तौर पर लक्षणा शब्द शक्ति को चार वर्गों में विभाजित करते हैं। विद्वान उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला रूढ़ा लक्षणा, शब्द पर ध्यान देना है। रूढ़ा यानी रूढ़ी से संबंधित, परंपरा से संबंधित। प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजन का मतलब होता है कारण, उद्देश्य, हेतु, प्रयोजनवती लक्षणा। उपादान लक्षणा यानी तत्व। लक्षण लक्षणा, जहां लक्षण प्रधान हो वो लक्षण लक्षणा। तो इनके आधार पर, इनके नामों से ही हम इनकी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो रूढ़ी पर आधारित हो, परंपरा पर आधारित हो, रूढ़ी लक्षणा। जो प्रयोजन जिसमें निहित हो, कोई ना कोई किसी बात को कहने के मूल में कोई ना कोई उद्देश्य हो, कोई प्रयोजन हो, वहां प्रयोजनवती लक्षणा। और उपादान लक्षणा, जहां पर दो शब्दों के जरिए मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को समेटते हुए बात कही जाए, यानी तत्वों का जहां पर सामूहिक रूप से जहां पर ग्रहण किया जाए वहां उपादान लक्षणा, और जहां लक्षणों के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जाए लक्षण लक्षणा। अब इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले रूढ़ा लक्षणा। शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी अर्थात परंपरा अथवा लोकोक्ति या मुहावरों से प्राप्त अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। कैसे पहचानेंगे आप वाक्य में कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति है? तो आप देखेंगे वाक्य में अगर रूढ़ी है, परंपरा की बात हो रही है, या किसी लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित आंख बंद करके रूढ़ा लक्षणा विकल्प को चुन लीजिए। उसने भरे बाजार में अपने पिता की नाक कटवा दी, नाक कटवा दी मुहावरा, यानी स्पष्ट है कि क्या, कि कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, जहां रूढ़ी है, परंपरा है, या लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। रमेश ने अपने पिता की नाक ही कटवा दी, रामलाल तो हरिश्चंद्र। देखिए, ये तो मुहावरों के प्रयोग का उदाहरण हो गया, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया। रामलाल तो हरिश्चंद्र है। अब परंपरा से हम जब जिस राजा हरिश्चंद्र के विषय में सुनते हैं, वो कैसे थे? वो थे सत्यवादी। यानी हरिश्चंद्र, उनके व्यक्तित्व, सत्यवादी व्यक्तित्व के कारण ये जो हरिश्चंद्र नाम है, ये सत्यवादी होने का द्योतक हो गया है, संकेतक हो गया है, और परंपरा में प्रचलित हो गया। इसका प्रयोग सत्यवादी के अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है, यानी यहां परंपरा है। तो ऐसी स्थिति में यहां कौन सी शब्द शक्ति हुई? रूढ़ा लक्षणा, क्योंकि यहां परंपरा का प्रयोग किया जा रहा है। नाक कटवाना से इज्जत मिट्टी में मिलना, हरिश्चंद्र से सत्यवादी होने का अर्थ क्रमशः नाक कटवाना, लोकोक्ति मुहावरा, और रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया जा रहा है। सत्यवादी यानी राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी व्यक्ति के रूप में, परंपरा के रूप में हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उसमें समाये हुए हैं, तो इसलिए यहां रूढ़ा लक्षणा हुई। आगे चले। अब आती है प्रयोजनवती लक्षणा की बात। शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ का बोध हो, आपको ध्यान रखना है लक्षणा शब्द शक्ति में, व्यंजना शब्द शक्ति में, दोनों में मुख्यार्थ बाधित होगा ही होगा, ये आपको भूलना नहीं है। तो मुख्यार्थ बाधित हो, मुख्यार्थ बाधित होने का मतलब क्या है, एक बार फिर दोहरा दूं। अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो मुख्यार्थ होता है, वाच्यार्थ होता है, उसको अभिधार्थ भी कहते हैं, तीनों एक ही बात है। तो मुख्यार्थ बाधित होने का मतलब है अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ, जब उसको ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो और लक्ष्यार्थ का बोध हो, और उसके मूल में जो वाक्य बोला जा रहा है वक्ता के द्वारा उसमें उसका कोई निश्चित उद्देश्य निहित हो, प्रयोजन निहित हो, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यह देखो, सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। अब सामने हड्डियों का ढांचा, इसका मतलब व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो बहुत ही दुबला पतला है,
उसकी हड्डियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, उनको गिना जा सकता है, उसकी पसलियों को। यानी इतना दुबला पतला और कमजोर व्यक्ति सामने खड़ा है। तो यहां प्रयोजन क्या है हड्डियों का ढांचा शब्द को इस्तेमाल करने का? प्रयोजन ये है, अगर हम इसको अभिधार्थ से ग्रहण करें तो हमारे सामने कंकाल खड़ा है, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते तो मुख्यार्थ बाधित हो गया। उद्देश्य क्या है? एक दुबला पतला, अत्यंत दुबला पतला व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, उसके दुबले पतलेपन को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए वक्ता ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, हड्डियों का ढांचा खड़ा है। तो यहां प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। वाह, क्या हवा महल बनवाया है! हवा महल तो भाई राजस्थान की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर है। हर व्यक्ति क्या हवा महल बनवा सकता है? तो हम मुख्यार्थ ग्रहण नहीं कर सकते। हवा महल शब्द के द्वारा हम उस मुख्यार्थ को ग्रहण नहीं कर सकते, तो हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे हवादार महल, यानी जहां पर हवा का बहुत आना जाना है, बहुत आराम से हवा आती जाती है, खुलापन है, ऐसा महल बनवाया है। यानी किसी भी के द्वारा बनवाए गए भवन, बनवाई गई इमारत के खुलेपन की प्रशंसा की जा रही है, उसको अभिव्यक्त किया जा रहा है मुख्यार्थ बाधित, और लक्ष्यार्थ से हमने अर्थ ग्रहण किया। हड्डियों के ढांचे से कमजोर शरीर का अर्थ अभिव्यक्त, हवा महल से हवाधार भवन का अर्थ अभिव्यक्त होता है। इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति यहां पर हुई। आगे चलें। अब आता है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा तीनों लक्षणा के जो भेद हैं उनमें थोड़ी सी भिन्न है। आपको ध्यान रखना है कि उपादान लक्षणा में, देखिए अभी तक मुख्यार्थ बाधित हो रहा था, लेकिन उपादान लक्षणा वो शब्द शक्ति है जिसमें वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ भी शामिल होता है और लक्ष्यार्थ भी शामिल होता है, यानी एक साथ दोनों अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जा रहा है वो भी ग्रहण किया जाएगा, और लक्षणा के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जा रहा है वो भी ग्रहण किया जाएगा। यानी उपादान लक्षणा एक ऐसी शब्द शक्ति है जिसमें वाच्यार्थ के साथ, मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ भी शामिल होता है। लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों एक साथ अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। ये उपादान लक्षणा की वो विशिष्टता है जो अन्य किसी शब्द शक्ति के भेद में दिखाई नहीं देती। उदाहरण देखिए, भैया जब अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम चलेगा। अब आटे दाल के भाव से मतलब क्या आटे दाल का ही भाव है? क्योंकि जब अलग घर बसाने की बात हो रही है तो आटे दाल के साथ घर गृहस्थी की न जाने कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जो उस समय पता चलेगा जब अलग घर बसाया जाएगा। तो ये जो आटे दाल का भाव है, इस आटे दाल के भाव में आटा और दाल ये तो शामिल है ही, इसके साथ ही अन्य घर गृहस्थी की वस्तुएं भी शामिल हैं। यही कारण है कि यहां उपादान लक्षणा है, यानी वाच्यार्थ भी अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहा है, आटे दाल को भी अर्थ के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, और उस आटे दाल के बीच में समेट कर और घर गृहस्थी के जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं उन सब का भी बोध यहां कराया जा रहा है। यानी लक्ष्यार्थ भी सक्रिय है और वाच्यार्थ भी सक्रिय है, और दोनों मिलकर एक पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति श्रोता तक पहुंचाते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। अब दो बंदूकें क्या खुद ही चल गईं? नहीं, निश्चित रूप से बंदूकधारी भी रहे होंगे जिन्होंने उन्हें चलाया होगा, बंदूकें खुद तो चलेंगी नहीं। तो यानी यहां बंदूकों से लक्ष्यार्थ भी ग्रहण किया कि हिंसा हुई गांव में, और उसके द्वारा बंदूक की नोक पर रखकर सारे गांव वालों की संपत्ति को लूट लिया गया। लेकिन वहां बंदूकें तो शामिल है ही, उसके साथ कौन शामिल है? बंदूकधारी भी शामिल है, यानी बंदूक को चलाने वाले लोग भी शामिल हैं जिनको यहां अभिव्यक्त नहीं किया गया। यानी वाक्य में वाच्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है, और वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों मिलकर के यहां संपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए उपादान लक्षणा हो गई। आटे दाल में घर गृहस्थी की सभी वस्तुएं और आटे दाल का अर्थ भी शामिल है, दो बंदूकों में बंदूक और बंदूकधारी दोनों का अर्थ शामिल है, इसलिए उपादान लक्षणा हो गई। इस लक्षणा के भेद को आप अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लें, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अलग अन्य शब्द शक्ति के जो अन्य भेद हैं उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ मुख्यार्थ भी महत्वपूर्ण है और लक्ष्यार्थ भी महत्वपूर्ण है। तो इस बिंदु को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। आगे चलें।
जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता। देखिए, हमने सबसे पहले कौन सी लक्षणा पढ़ी थी? रूढ़ा लक्षणा। वहां मुख्यार्थ बाधित था, यानी वाच्यार्थ बाधित था। उसके बाद हमने पढ़ी प्रयोजनवती। प्रयोजनवती में भी मुख्यार्थ और वाच्यार्थ बाधित था। उसके बाद हमने पढ़ी उपादान लक्षणा, जिसमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ बाधित नहीं था। अब ये जो लक्षण लक्षणा है, ये लक्षणा शब्द शक्ति का वो भेद है जहां वाच्यार्थ बाधित है। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले हमने जो उपादान लक्षणा पढ़ी थी उसमें वाच्यार्थ शामिल था, तो उससे अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने ये बात यहां स्पष्ट की कि इस शब्द शक्ति में, इस शब्द शक्ति के माध्यम से वाक्य का जो अर्थ निकल कर सामने आता है उसमें मुख्यार्थ या वाच्यार्थ शामिल नहीं होता। जब लक्षण के आधार पर, देखिए लक्षण लक्षणा नाम से ही स्पष्ट है, लक्षण के आधार पर जब अर्थ अभिव्यक्त होता है तो उस शब्द शक्ति को, उस लक्षणा शब्द शक्ति के भेद को लक्षण लक्षणा कहते हैं। वह उल्लू है। उल्लू का मतलब ये नहीं है कि वो पक्षी उल्लू हो गया, लेकिन नहीं, इससे हमने मुख्यार्थ बाधित हुआ और हमने लक्षण के आधार पर क्या ग्रहण किया? मूर्ख। क्योंकि उल्लू को मूर्खता का प्रतीक माना जाता है, तो उल्लू से क्या विशेषण सामने आया? मूर्ख, यानी वह व्यक्ति जिसके विषय में चर्चा की जा रही है मूर्ख है। तुम्हारा हृदय तो पत्थर का बना है। पत्थर का बने होने का मतलब क्या है? जिस तरीके से पत्थर में जीवन नहीं होता, संवेदनशीलता नहीं होती, उसी तरह से तुम्हारा हृदय है, यानी पत्थर कठोर होता है तो उसी तरह से तुम्हारा हृदय भी कठोर है। यानी दो अर्थ यहां निकल कर सामने आ रहे हैं, कठोर और संवेदनाहीन। यानी दूसरे के दुख सुख को पर तुम पिघलते ही नहीं हो, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। पत्थर के लक्षण के आधार पर, उल्लू के लक्षण के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जा रहा है। स्पष्टीकरण देखते हैं। उल्लू शब्द से पक्षी नहीं अपितु लक्षण के आधार पर मूर्ख होने का अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। पत्थर के लक्षण कठोरता के आधार पर कठोर और संवेदनाहीन हृदय होने का अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए इन वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति हुई? लक्षण लक्षणा। आगे चलें। अब आती है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर, देखिए व्यंजना शब्द शक्ति वो शब्द शक्ति है जिसमें वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ भी बाधित होता है और लक्ष्यार्थ भी बाधित होता है, दोनों अर्थ बाधित होते हैं, तब तीसरे चरण में आकर हम व्यंजना शब्द शक्ति तक पहुंचते हैं। तो जहां वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की ही प्रतीति हो, ना तो हम लक्षणा से अर्थ ग्रहण करें, ना अभिधा से ग्रहण करें, बल्कि किसी तीसरे ही अर्थ को जब ग्रहण करते हैं, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करती। शेष अर्थ श्रोता अथवा पाठक की कल्पना शक्ति पर निर्भर होता है। यही कारण है कि एक वाक्य के अनेक प्रसंगों में अलग अलग मनुष्यों के द्वारा अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे बहुत साधारण सा वाक्य है, 5 बज गए। अब 5 बजे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते होंगे, तो हर व्यक्ति के संदर्भ में 5 बजने का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यानी किसी के को 5 बजे चाय पीने की आदत है, तो वो ग्रहण करेगा 5 बज गए, यानी चाय का समय हो गया, चलो चाय बनाते हैं। कोई व्यक्ति घूमने जाता है शाम को, 5 बजे निकलता है, तो उसके लिए 5 बज गए वाक्य सुनते ही उसे ध्यान आ जाएगा, अरे मुझे तो घूमने जाना है, तो मेरे तो सांध्यकालीन भ्रमण का वक्त हो गया, तो वो उसकी तैयारी में जुट जाएगा। तीसरा व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और 5 बजते ही उसके दफ्तर की, उसके ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, तो जैसे ही वो देखेगा अरे 5 बज गए, या वो सुनेगा इस वाक्य को, तो वो ग्रहण करेगा कि चलो घर जाने का समय हुआ, आज की मेरी दफ्तर की ऑफिस की जिम्मेदारी समाप्त हुई, पढ़ाई खत्म करने का समय हो गया। कोई विद्यार्थी है, उसने अपना टाइम टेबल बना रखा है और वो उसने निश्चय कर रखा है कि दिन के भोजन के बाद वो 5 बजे तक पढ़ेगा, तो 5 बजते ही वो अपनी पढ़ाई को समाप्त कर देगा, तो उसके लिए इस 5 बज गए वाक्य का संकेत है कि पढ़ाई खत्म करने का समय हो गया। इसके अलावा भी, ये तो उदाहरण है, इसके अलावा भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। मान लीजिए घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, टीवी सीरियल्स देखने की उनको बहुत आदत है और 5 बजे उनका कोई प्रिय सीरियल, कोई
रामायण या कोई कृष्ण आने वाला है तो उनको 5 बजते ही कोई कहेगा 5 बज गए तो वो अर्थ ग्रहण करेंगे, अरे हमारे सीरियल का समय हो गया, अब हमको वो सीरियल देखना है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग अर्थ एक ही वाक्य के जब ग्रहण किए जाते हैं और जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित होते हैं तब व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे चलते हैं, अब व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों पर बात करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के मोटे तौर पर दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जैसा कि शब्द से नाम से ही स्पष्ट है, जो व्यंजना शब्द शक्ति शब्द पर आधारित है वहां शाब्दी व्यंजना, जो अर्थ पर आधारित है वहां आर्थी व्यंजना। शब्द विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की जो बोधक शक्ति होती है, यानी जब अर्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण निकल कर सामने आता है तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है। अधिकतर जहां श्लेष अलंकार होता है, इस तरह का प्रश्न आता है दोस्तों परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखेंगे, अधिकतर जहां श्लेष अलंकार होता है वहां शाब्दी व्यंजना होती ही है। हमने जब अलंकार पढ़े थे और श्लेष अलंकार का एक उदाहरण पढ़ा था, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो अगर वो पंक्ति देकर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है तो आप शाब्दी व्यंजना, और शाब्दी व्यंजना अर्थी व्यंजना ऑप्शंस में नहीं है तो आप व्यंजना शब्द शक्ति को चुन सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जहां श्लेष अलंकार वहां व्यंजना शब्द शक्ति यानी शाब्दी व्यंजना। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ, यानी ऐसे शब्दों का जैसे पानी के 3 अर्थ वहां निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अनेकार्थक शब्द हो गया पानी, क्योंकि अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थों को अभिव्यक्त करने की क्षमता इस शब्द में है, तो इसलिए शाब्दी व्यंजना हो गया। अब बात आती है आर्थी व्यंजना की। आर्थी व्यंजना क्या है? जैसे शब्द विशेष के प्रयोग पर आधारित होता है व्यंग्यार्थ शाब्दी व्यंजना में, वैसे ही शब्द का जो अर्थ होता है उस पर निर्भर होता है व्यंग्यार्थ आर्थी व्यंजना में। दूसरी बात, यहां शब्द बदलने पर व्यंग्यार्थ व्यक्त हो जाता है, यानी हम जो शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है उस शब्द के स्थान पर उसी का कोई पर्यायवाची शब्द रख दें तो भी व्यंग्यार्थ समाप्त नहीं होता, लेकिन शाब्दी व्यंजना में अगर उस शब्द, उस पानी की जगह हम अगर जल रख दें तो व्यंग्यार्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये पहचान होती है शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना में, और शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष की पहचान का भी यही आधार है। एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ एकार्थक शब्द का प्रयोग होता है, शाब्दी में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। अब चलिए इन दोनों भेदों को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब देखिए ये उदाहरण मैं आपको बता चुकी, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर जो दूसरी पंक्ति है जो यहां लिखी नहीं गई है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहां पानी जो शब्द है इसके मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में, और चून यानी आटे के संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं। तो क्योंकि शब्द एक है और व्यंग्यार्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ के रूप में स्पष्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां शाब्दी व्यंजना हुई। और अगर हमको परखना है तो हम पानी की जगह कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द जल का रख दें, पानी का रख दें, तो ये व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यहां पर शाब्दी व्यंजना हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द पर व्यंग्यार्थ निर्भर है, पानी शब्द के स्थान पर जल शब्द का प्रयोग करने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, अतः शाब्दी व्यंजना है। अब बात आती है आर्थी व्यंजना की। री अभाव की चपल बाले के री ललाट की खल रेखा। देखिए प्रसाद की पंक्तियां हैं, कामायनी जो उनका महाकाव्य है उसके चिंता सर्ग में से ली गई हैं। चिंता सर्ग क्योंकि मनुष्य की भावनाओं की, मानवीय मनोभावों की का मानवीकरण किया गया है इसमें कामायनी में, तो इसलिए यहां चिंता का वर्णन किया जा रहा है। चिंता को संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं, री अभाव की चपल बाले के। अभाव मतलब जीवन में जो कमियां होती हैं, साधनहीनता होती है वो अभाव है, चपल मतलब चंचल, कि
चिंता को संबोधित करके कवि क्या कह रहा है कि तुम अभावों की चंचल पुत्री हो, चंचल बालिका हो। इसका मतलब क्या है, इसका आर्थी व्यंजना से इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां चिंता होती है वहां चित्त शांत और धैर्यवान नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, बल्कि चित्त में चिंताओं के कारण चंचलता व्याप्त होती है, क्योंकि उसे उन चिंताओं से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए कवि यहां अभाव की चपल बालिके कह रहे हैं। दूसरा संबोधन क्या है, री ललाट की खल रेखा। ललाट मतलब मस्तक, और ऐसा माना जाता है हमारी संस्कृति में कि ललाट पर लिखा होता है, व्यक्ति के मस्तक पर उसका भाग्य लिखा होता है, यानी ललाट की खल का मतलब है दुष्ट, यानी मस्तक की दुष्ट रेखा, यानी बुरे भाग्य का अर्थ यहां पर सामने आ रहा है, दुर्भाग्य का अर्थ यहां सामने आ रहा है। इसलिए यहां किसी एक शब्द विशेष से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, व्यंग्यार्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, बल्कि पूरी पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है, तो इसलिए यहां आर्थी व्यंजना है। अभाव की चपल बालिके में हृदय को अस्थिर यानी चंचल करने वाली का भाव निहित है, और ललाट की खल रेखा में मस्तक पर दुर्भाग्य की संकेतक रेखा का भाव निहित है, अतः यहां आर्थी व्यंजना है। आगे चलते हैं। तो चलिए, ये हुई हमारी शब्द शक्ति पर चर्चा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं यहाँ दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जांच लीजिए अपने आप को, अपने आप को की अपनी परीक्षा कर लीजिए, अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि कितना आप इस विषय को ग्रहण कर पाए हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है, यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। तो यहां पर अभिधा इसका सही अर्थ है, क्योंकि अभिधा से जो अर्थ अभिव्यक्त होता है वही वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या अभिधार्थ कहलाता है। लक्षणा से लक्ष्यार्थ और व्यंजना से व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त होता है। आगे चलें। व्यंजना शब्द, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है, यूजीसी नेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान देंगे, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है ये पूछा गया है यहां पर। मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, या मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो देखिए, मूल अर्थ को व्यक्त कौन करता है, अभिधा। प्रयोजन को व्यक्त कौन करती है, प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ की व्याख्या कौन करती है, मुख्यार्थ की व्याख्या अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों के द्वारा की जाती है। अब मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता किसमें होती है, व्यंजना शक्ति में होती है। तो यानी मुख्यार्थ में जो अकथित अर्थ, जो शब्दों के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा, उस अर्थ की ओर संकेत करने का काम करती है व्यंजना शक्ति। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति न तो लक्ष्यार्थ को बाधित करने के बाद, मुख्यार्थ को बाधित करने के बाद ही हम व्यंग्यार्थ को ग्रहण करते हैं, तो तीसरे अर्थ का बोध कराती है जो कहा नहीं जा रहा है वाक्य में शब्दों के माध्यम से। आगे चले, तो यहां डी उत्तर इसका सही विकल्प है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, यह प्रश्न भी यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 में पूछा गया। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्त सभी। तो बहुत सरल प्रश्न है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि व्यंग्यार्थ जहां ग्रहण किया जाता है वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे चलें। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यूपी पीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। अभिधा शब्द, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, अर्थ का बोध कराना, क्योंकि शब्द शक्ति का कार्य क्या है, निहित और शब्द में निहित अर्थ की अभिव्यक्ति करना, तो उसी पर आधारित यह प्रश्न है। अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पर ध्यान केंद्रित करना है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, क्या यह सही है, नहीं। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, गलत, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित नहीं होती। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, गलत। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं, कैसे,
इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे। हमने जितनी भी शब्द शक्तियां अभी तीनों शब्द शक्तियों पर बात की, तो हमने अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ अभिव्यक्त होता है ये पढ़ा। हमने जब लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ी तो हमने पढ़ा कि मुख्यार्थ बाधित हुआ और लक्ष्यार्थ की अभिव्यक्ति हुई, यानी मुख्यार्थ बाधित होने का मतलब ही है कि लक्षणा शब्द शक्ति का आधार हो गई अभिधा शब्द शक्ति। और इसी प्रकार हमने जब व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ी तो हमने पढ़ा कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर व्यंग्यार्थ, जो तीसरा अर्थ सामने आता है, वो व्यंग्यार्थ कहलाता है और वो व्यंजना शब्द शक्ति से सामने आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का आधार, मूल आधार क्या है, वो है अभिधा शब्द शक्ति। तो ये कथन सही है, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है, बिहारी का दोहा है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। चिर जीवो जोरी जुरे, ये जो जोड़ी है किसकी, राधा और कृष्ण जी की जोड़ी है, वो चिर जीवे यानी चिरंजीवी हो, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहे। क्यों ना बनी रहे, क्योंकि ये स्नेह के गंभीर बंधन में बंधा हुआ इनका प्रेम है, ये जो जोड़ी है ये प्रेम के अटूट गहरे बंधन में बंधी हुई है, इसलिए इस जोड़ी को तो चिरंजीवी होना ही चाहिए। को घट ये वृष भानुजा, अब ये जो दोनों हैं कृष्ण और राधिका जी, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, इसलिए भी ये जोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं मेड फॉर ईच अदर हैं। तो वही भाव यहाँ बिहारी अभिव्यक्त कर रहे हैं, को घटे कि इनमें से कौन एक दूसरे से कम है, क्यों, क्योंकि ये वृषभानुजा है यानी राधा जी वृषभानु की पुत्री है, तो वृषभानु उनके पिता का नाम और जा जहां लग जाता है वहां पुत्री का अर्थ आ जाता है, तो वृषभानु से उत्पन्न यानी राधा जी, तो राधा जी हैं और वे हलधर यानी बलराम के वीर मतलब भाई हैं, अर्थात क्या हो गया, कृष्ण है, ठीक है, एक अर्थ तो इसका ये हो गया। अब यहां वृषभ और हलधर दोनों में क्या है, श्लेष अलंकार है, इसका एक दूसरा तरीका ये होगा, वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ मतलब बैल की अनुजा यानी छोटी बहन गाय, है ना, और हलधर यानी हलधर का अर्थ होता है बैल, बैल का भाई भी बैल ही होगा, तो दो अर्थ इन दोनों शब्दों के हो गए और दोनों के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी कम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जोड़ी तो निरंतर चिरकाल तक जीवित रहनी ही चाहिए। और आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था कि श्लेष अलंकार पर आधारित जहां व्यंग्यार्थ होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, तो यहां शाब्दी व्यंजना है लेकिन विकल्प में शाब्दी व्यंजना नहीं है, तो हम सी ऑप्शन यानी व्यंजना को चुनेंगे। तो श्लेष अलंकार का भी ये बहुत अच्छा उदाहरण है, व्यंजना शाब्दी व्यंजना का भी बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसे भूलेंगे नहीं क्योंकि ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चले, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जाएगा, यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया। ऑप्शंस हैं अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से। अब पहले तो हम इस पंक्ति का अर्थ समझ लें, प्रसाद यहां नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और विधु का अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, लेकिन देखिए कोई वाचक शब्द नहीं है, अलंकार हम पढ़ चुके हैं, कोई वाचक शब्द यहां पर नहीं है, ना यहां अभेद आरोप है, बल्कि सीधा उन्होंने मुख को चंद्रमा मानते हुए उपमेय का तो जिक्र ही नहीं किया, सीधे उपमान का प्रयोग किया है, यानी कौन सा अलंकार हो गया, रूपकातिशयोक्ति, जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन प्रसंगवश हमें ये जानना चाहिए। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, यानी नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है और उसके मुख के चारों तरफ काले काले केश लहरा रहे हैं, तो कवि कल्पना करते हैं कि इस चंद्रमा को किसने इन काली जंजीरों से बांध दिया है। तो यहां पर हम किसके द्वारा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, व्यंग्यार्थ यहां है नहीं,
क्या है, लक्ष्यार्थ है, लक्षण के आधार पर हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी, यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें, देखिए फिर वही पंक्ति आ गई, को घटी ये वृषभानुजा वे हल्दर के भीर में, कौन सी व्यंजना है। अब यहां व्यंजना का भेद दिया गया है, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना या इनमें से कोई भी नहीं, तो यहां शाब्दी व्यंजना है। और यह प्रश्न पूछा गया यूपी पीजीटी 2011 में, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या मैं आपसे पहले ही कर चुकी हूं, तो दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आगे चले, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है आचार्य भामह की, आचार्य भट्टनायक की, आचार्य कुंतक की या आचार्य दंडी की। तो इसका सही उत्तर है बी, इसको आप कंठस्थ कर लेंगे, आचार्य भट्टनायक ने ये बात कही। अब क्यों कही, क्योंकि इसके मूल में ये धारणा है दोस्तों, एक प्रश्न हमने अभी एक पढ़ा कि अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का आधार होती है, यानी रस की अनुभूति हम चाहे लक्षणा से करें, चाहे व्यंजना से करें, चाहे अभिधा से करें, मूल क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। तो ऐसी स्थिति में ये विचार, ये मत किस विद्वान ने, किस आचार्य ने प्रतिपादित किया, आचार्य भट्टनायक ने प्रतिपादित किया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चले, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, एनवीएस पीजीटी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया, मुख्यार्थ से, व्याच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से या व्यंग्यार्थ से। बहुत सरल है, डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति से हमेशा व्यंग्यार्थ ही अभिव्यक्त होता है। आगे चले, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, एनवीएस पीजीटी 2014 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो यहां लक्षणा शब्द शक्ति है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि सिंह के लक्षण क्या है, वीरता, जंगल का राजा होता है शेर, किस आधार पर, अपनी वीरता के आधार पर, अपने बल के आधार पर। तो जब सिंह तलवार लेकर उतरा से अर्थ है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति तलवार लेकर मैदान में आ गया है, युद्ध की भूमि में आ गया है, जो शेर की तरह साहसी और बलशाली है, तो लक्षण के आधार पर यहां अर्थ ग्रहण किया जा रहा, गीदड़ भाग गए और गीदड़ को कायरता का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहां कायर व्यक्ति शेर को मैदान में आया देखकर तुरंत भाग गए, वह ये अर्थ यहां हम किसके द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, लक्षणा के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, क्योंकि जब सिंह तलवार लेकर, तो पहली बात तो शेर जानवर तलवार लेकर आएगा नहीं, तो उस स्थिति में मुख्यार्थ बाधित हो गया और अर्थ हमने लक्षणा से ग्रहण किया, तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। आगे चले, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, फर्स्ट ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है, पहला, दूसरा, मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा शक्ति काम करती है, व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है, व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी आधारित होती है। तो देखिए, हमने व्यंजना शब्द शक्ति के भेद पढ़े थे, शाब्दी और आर्थी, जो शाब्दी शब्द पर आधारित थी, आर्थी अर्थ पर, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ, यानी जो कथन, जो अर्थ शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया गया है, उस सांकेतिक अर्थ को भी ग्रहण करती है व्यंजना शक्ति। जब हम आधुनिक कविता पढ़ते हैं दोस्तों, हमने पिछले कई सत्रों में कविता पर भी बात की थी, वो अब पाठ्यक्रम में नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से कहती थी कि भाषा में व्यंजनात्मकता है, वो व्यंजनात्मकता इसी अर्थ की ओर संकेत करती थी कि जो अर्थ इन शब्दों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, उस संकेतित अर्थ की अभिव्यक्ति भी यहां पर हो रही है। तो व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित, अकथित का मतलब जो कहा नहीं गया है, उस अर्थ को भी द्योतित करती है, यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा शक्ति काम करती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्यार्थ बाधित होता है तो लक्ष्यार्थ से हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो उत्तर क्या हुआ, ए, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिधा शक्ति केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध नहीं कराती, बल्कि यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का भी अर्थ अभिव्यक्त करती है। तो इसलिए ये कथन यहां नहीं है, सही नहीं है, इसलिए ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है,
पहला है, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये ध्यान देंगे किस शब्द शक्ति की बात हो रही है, लक्षणा शब्द शक्ति की बात हो रही है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया जाता है, किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, प्रयोजनवती लक्षणा होती है, तो यानी ये अर्थ, ये कथन तो बिल्कुल सही है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ी यानी रूढ़ा लक्षणा भी होती है, तो यानी ये बात भी सही है। इस अन्य अर्थ का मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, जबकि हमने पढ़ा था लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होता है। तो ये कथन जो है वो असत्य कथन है, गलत है, सही नहीं है। किसी शब्द का मुख्यार्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां अन्य अर्थ जो शब्द प्रयोग में लाया गया है उसकी वजह से आप भ्रमित ना हो, क्योंकि लक्ष्यार्थ शब्द जानकर यहां नहीं लिखा गया है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन में डाला जा सके, भ्रम में डाला जा सके। तो आप इससे बिल्कुल भयभीत ना हो, भ्रमित ना हो, आप इसके मूल मर्म को, इन वाक्यों के मूल मर्म को समझने की कोशिश करें, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रश्न में लक्षणा शब्द शक्ति का ही नाम है। तो इसका सही उत्तर है बी। आगे चलें। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना सही नहीं है, ये हमको ढूंढना है। तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है तो हम अर्थ किससे ग्रहण करते हैं? लक्ष्यार्थ से ग्रहण करते हैं, तो सही है। मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना, बिल्कुल वही बात हो गई जो पिछले प्रश्न में थी। रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, यानी ये भी सही है। तो ये गलत है, यानी सही उत्तर सी है। और ये प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा ही है, लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो आप इन तीनों ही शब्द शक्तियों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, ताकि हर एक प्रश्न आपका सही आए। 14वां प्रश्न, बाजार में लाठियां चल रही हैं, वाक्य में शब्द शक्ति है। देखिए, लाठियों पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने उसका उदाहरण भी लिया था। तो आप अब समझ गए होंगे, अविधा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा या व्यंजना। तो यहाँ प्रयोजन नहीं है बल्कि रूढ़ी है, क्योंकि परंपरा से हम लाठियों के चलने का अर्थ ग्रहण करते हैं लड़ाई झगड़े के अर्थ में। तो यहाँ रूढ़ा लक्षणा है, यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चले, हर आहट पर उनके कान खड़े हो जाते थे, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए, कान खड़े होना एक मुहावरा है, और जहां मुहावरे से अर्थ अभिव्यक्त होता है, लोकोक्ति से अर्थ अभिव्यक्त होता है, वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिधा से अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा, प्रयोजनवती से नहीं हो रहा, व्यंजना से नहीं हो रहा। तो सही उत्तर है बी। आगे चले, देखो इस सिंह पुरुष को, पंक्ति में शब्द शक्ति है, लक्षणा तात्पर्य। देखिए, यहां तात्पर्य का आ गया है, तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। अभिधा और व्यंजना तो स्पष्ट है, सिंह का एक प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो लक्षणा शब्द शक्ति इसका सही उत्तर है, ए विकल्प यहां सही है। तो ये हुई दोस्तों आज का हमारा सत्र शब्द शक्ति पर आधारित। उम्मीद करती हूं कि शब्द शक्तियों का डर अब आपके मन से दुम दबाकर भाग गया होगा। अब सोचिएगा कि दुम दबाकर भागने में कौन सी शब्द शक्ति है, इस वाक्य की शब्द शक्ति को ढूंढकर पोस्ट कीजिएगा, और अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।